खुलासा होने वाला है। चलिए। Hey guys, welcome back to my channel, The K70 Squad. तो आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं बड़ा सा खुलासा, किसके बारे में? कशिश के बारे में ना। हाँ, ये मेरा बहुत बड़ा हिस्सा है मेरा लाइफस्टाइल का। तो आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेरे रूटीन के बारे में, जो कि मैं डेली फॉलो करती हूँ, और आप कह सकते हो एक प्रोफेशनल डांसर के रूटीन के बारे में, क्योंकि हम एक रूटीन फॉलो करते हैं, उसमें 4-5 चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, लेकिन उसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हमारी परफॉर्मेंस बेटर करती है, एक लेवल पे ले जाती है। तो आप भी अगर सीरियस हैं कि अपने डांस को एक लेवल पे देखना चाहते हैं, अपने आप को एज अ डांसर सक्सेसफुल होना चाहते हैं लाइफ में, तो आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं इन 4-5 चीज़ों को। तो वक्त ना ख़राब करते हुए चलते अपने वीडियो की तरफ। खुलासा होने वाला है। चलिए। तो आज के वीडियो में मैं बताती हूँ वो 4-5 चीज़ें क्या है। तो सबसे पहली बात मैं बोलना चाहूँगी आप लोगों से कि जो भी मैं बता रही हूँ उसे रूटीन की तरह फॉलो नहीं करना है, ठीक है? उसे लाइफस्टाइल की तरह फॉलो करना है, उसे ऐड करना है अपनी लाइफस्टाइल में, ताकि आप बोर ना हो जाओ। आप होमवर्क की तरह अगर कोई काम करते हो तो वो बोरियत भरा हो जाता है, और आप अगर इन्जॉय करते हो तो वो लाइफस्टाइल हो जाता है, और उसका जो रिज़ल्ट आता है वो 5 गुना अच्छा आता है, क्योंकि आप हंस के काम कर रहे होंगे, ठीक है? तो नंबर 1 पे आता है मेरा वर्कआउट। तो आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यार मैडम बातें क्या कर रही हैं, वर्कआउट करना है, पूरे दिन नाचो ऊपर से वर्कआउट भी करो। मुझे आई नो कि डांस भी एक वर्कआउट है, बट डांस को बेटर करने के लिए, अपने मूव्स को ऐड करने के लिए आपको भी वर्कआउट करना पड़ता है। और अगर आप एक लेवल पे हैं तो आपको ऐड करने की ज़रूरत मी भी नहीं करो, आप वर्कआउट तो चलेगा, लेकिन अगर आप इस स्टेज पे हैं कि आप सीख रहे हैं और बेटर होना चाहते हैं, तो आपको वर्कआउट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आप करोगे उसके लिए आपके अंदर ताकत भी होनी चाहिए, है ना? आप कुछ भी चीज़ करो, आपका कोर स्ट्रांग होना चाहिए, आपके लेग्स स्ट्रांग होने चाहिए, हाँ, आप में कार्डियो, आपका स्टेमिना अच्छा होना चाहिए, जिसके लिए आपको वर्कआउट करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि प्रैक्टिस। तो मैंने कहूँ ये हमारे कुछ माह से सोचने लगे होंगे कि मैडम ने जिम के लिए बोल दिया, अब तो जाके मेरे को जिम फाड़ देनी है, मैं उठा के डम्बल वम्बल सब डोले शोले बना के आऊँगा। ना, डोले शोले नहीं बनाने, हमें आराम से आहिस्ता भरे हमें घर में करने हैं। जैसे कि मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो मुझे कार्डियो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो लेग्स के लिए मैं स्क्वाट्स करती हूँ, लंजेस करती हूँ, कोर के लिए काफ़ी एक्सरसाइजेस मिल जाएंगे आपको, कोर एक्सरसाइजेस, और आप डंबल्स मेरे को पसंद नहीं है, मैं आपको बताती हूँ मैं क्या यूज़ करती हूँ। ये रेजिस्टेंस बैंड कहते वो ट्यूब है ये, जिसे मैं यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पर, क्योंकि इसमें बहुत लाइट वेटेड भी रहता है, और मैं रैप्स ज़्यादा करती हूँ। रैप्स किसे बोलते हैं, जिसे आपको ये नहीं कि भारी भारी करने हैं, आपको रैप्स ज़्यादा करने हैं। और दूसरा फेवरेट है मेरा कार्डियो में बहुत ज़्यादा स्किपिंग रोप, ठीक है? इससे आपकी काफ्स काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, जो कि मैंने एक चीज़ बोली है कि डांसर्स को बॉल ऑफ द फीट में डांस करना पड़ता है, तो बॉल्स ऑफ द फीट के लिए आपके काफ्स काफ़ी स्ट्रांग होने चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं वर्कआउट मैं करती हूँ, और वैसे मैं कहूँगी कि सबसे अच्छा है योगा, क्योंकि अपना जितना आप बॉडी वेट लेंगे उतना ही लाइटली आप डांस कर पाएंगे, क्योंकि आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपके ऊपर कुछ है, तो आप डांस कर सकते हैं। नंबर 2, डाइट। जैसे कि हमने वर्कआउट की बात की है, तो आपकी डाइट भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए, लाजमी सी बात है, क्योंकि आपको रिजल्ट चाहिए, तो अपनी डाइट में आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, ताकि आपके मसल्स रिपेयर होके बिल्डअप कर पाएँ, और आपके काफ्स होने चाहिए एनर्जी के लिए, विटामिन्स होने चाहिए, फैट्स होने चाहिए, क्योंकि जब तक आप अच्छा खाना नहीं खाएंगे, और ये मैं मना नहीं कर रही हूँ आप बाहर का खाना ना खाइए, जितना हो सके खाना खाइए घर में, आपको कुछ
ऐसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, पता नहीं क्या क्या खाना है आपको। आप नॉर्मल सी इंडियन डाइट होती है जो, जैसे कि मेरी है, कि मेरी डाइट में रोटी, सब्जी, दाल, चावल, सैलेड, योगर्ट, रायता मेरा डेली रहता है। आप बटर मिल्क ले सकते हैं, मैं मॉर्निंग में लेती हूँ। मेरे में मिल्क होता है, चीज़ होता है, फ्रूट्स होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, हम सब की लाइफ में, पानी पियो, हाइड्रेटेड रहो आप लोग, बहुत ज़रूरी है आपको, बहुत ज़रूरी है। तो नॉर्मल इंसान के लिए होता है कि पानी जितना हो सके उतना पीजिए। तो अपना ये जो चीज़ें बताई है मैंने, इस चीज़ को फॉलो करो ताकि आपको वर्कआउट करने का रिजल्ट उतना ही बेहतरीन मिले जितने दिल से आप वर्कआउट कर रहे हो। वर्कआउट दिल से करो। नंबर 3 पे है हमारी कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी की बात आई है तो लाजमी सी बात है, आपको डेली करना है वो चीज़, जिससे आप, मैंने जैसे कि कहा है कि आप होमवर्क की तरह करेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, आप लाइफस्टाइल की तरह करेंगे कि हाँ डेली करना है, एंजॉय करना है, तो आपको बोर नहीं होगा। तो कंसिस्टेंसी में आपकी प्रैक्टिस हो सकती है, किसी स्पेसिफिक चीज़ पे आपको काम करना है कि हाँ इस चीज़ पे आज मुझे काम करना है, या वो क्विक मूवमेंट्स हो सकते हैं, या फिर स्टेमिना का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप डेली करेंगे तो वो मसल मेमोरी आपके मसल मेमोरी में आएगा, तो आप वो खुद ब खुद डांस होने लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, जैसे खाना खाना ज़रूरी है वैसे ही कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। अब हो गया, वर्कआउट किया, डाइट अच्छी ली, डाइट अच्छी ली, रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स अच्छे आए, तो कंसिस्टेंसी के साथ आपने डांस की प्रैक्टिस की, और डांस की प्रैक्टिस करने के बाद नंबर 4 पे आता है म्यूज़िक सुनना। तो म्यूज़िक सुनना हमें हेल्प करता है, जब आप गाने सुनते हैं लगातार, कोई भी गाना ले लेना आप और उसे 10 बार ही सुनना, बार बार सुन रहे हैं, तो आपको एक क्या होगा कि आपको गाने की बीट्स उसमें कहाँ है, कहाँ गाना बहुत हाई उसमें जा रहा है या फिर लो उस पर जा रहा है। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि जब आप डांस प्रैक्टिस करने जा रहे होते हो तो आपको पता होता है कि इस बीट में ये बीट आने वाली है, अब ये बीट आने वाली है, उसमें क्या आप रेडी रहते हो दिमाग से कि हाँ इस पे ये हमें अब करना है। तो उसमें आपको जब आप स्टेप्स बनाते हो तो आपको थोड़ा ईजी हो जाता है। तो एक बार ट्राई कीजिए, म्यूज़िक सुनते रहिए फिर उस पर डांस करने के लिए। कई दफ़ा देखा होगा आप लोगों ने कि आंटी अंकल जिन्हें डांस भी नहीं आता वो लगा के कान में, मैं अपनी मम्मा की बता रही हूँ, उन्हें तो डांस आता है उतना नहीं लेकिन अच्छा आता है, तो कान में लगा लेंगे फिर उनके बीट, मतलब बड़े अच्छे से बीट, फिर उनके शोल्डर्स ऐसे ऐसे करेंगे, फिर उनके हाथ चलेंगे, फिर मुंह हिलेगा। तो इस चीज़ से ट्रस्ट में आप डांस के करीब आ जाते हैं। आप जब डांस करने जाते हैं तो आपको पता होता है, डांस ना कर पाएँ लेकिन आप जब करेंगे तब आपको इजी पड़ेगा। तो म्यूज़िक सुनिए, काफ़ी सुना कीजिए ताकि आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिले। तो नंबर 5 पे आता है हमारा वीडियोस देखना, डांस वीडियोस देखना। कि जैसे कि हम डांसर्स एक इंसान को फॉलो करते हैं या फिर जो भी आपको डांसर, मेरे को तो एक तो नहीं पसंद आता, मुझे जिसका जो पसंद आने लगता है मैं उसका वीडियो देखने लगती हूँ। तो वैसे मेरा फेवरेट डांसर कौन है जो मैं, जिसे मैं फॉलो करती हूँ, आप देखते हैं कितने लोग मुझे जानते हैं, कमेंट्स में बताइए मेरा फेवरेट डांसर कौन है, ठीक है। वैसे आप लोगों का भी कोई फेवरेट होगा, मे बी मैं भी हो सकती हूँ। आप देख सकते हो जो भी है आपका, जो भी फेवरेट है, मतलब जिसे आप आइडल मानते हैं, तो उनके वीडियोस देखना, कोई अच्छी परफॉर्मेंस हुई है उसको देखना, फिर उनके स्टेप्स लेना, उस गाने पे उसे कॉपी करना। अब कॉपी करने में क्या है कि आप डिट्टो कॉपी नहीं करना, अपना थोड़ा सा ऐड करना है। हमेशा याद रखना है कि अपना एक स्टाइल है, उसे ऐड करके रखना है, डिट्टो कॉपी नहीं करना है कि बिल्कुल सेम टू सेम वैसी कॉपी कर देना है। अपना एक स्टाइल रखिएगा हमेशा से, एक अदा होती है ना वो ज़रूरी होती है, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट बनाती है। आपको बिल्कुल वही नहीं बनना है, आपको अपना नाम बनाना है, राइट। तो उसमें अपनी चीज़ भी ऐड करनी है। तो कॉपी करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और जो मैंने 4-5 चीज़ें बताई हैं उनको फॉलो कीजिए ताकि आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो। और ट्रस्ट मी गाइस, आप ये 4-5 चीज़ फॉलो करके आप इधर से इधर जा सकते हैं, क्योंकि मैं गई हूँ, ठीक है। तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं।
ठीक है, तो आज से ही काम करना स्टार्ट कीजिए अगर आपको अपने एज अ डांसर आपको सक्सेसफुल होना है। और बाकी बहुत सारी बातें कर ली हमने, तो एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है वर्कआउट करेंगे, वर्कआउट होने के बाद हम अच्छी डाइट लेंगे क्योंकि हमें वर्कआउट का रिज़ल्ट चाहिए। रिज़ल्ट आने के बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने में जब हम गाने सुनेंगे काफ़ी, तो जो स्टेप्स हम करने जा रहे हैं उसमें हमें ईजी पड़ेगा। जब ईजी पड़ेगा तो आप वीडियोज़ काफ़ी देखेंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे, और ये साइकिल एक चेन चलती रहेगी, और आप किसी दिन बहुत नाम कमा रहे हो तब मुझे याद करना। बाकी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, डांस करते रहिए। थैंक यू सो मच।